हेलो बॉयज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज वो दिन आ गया जिसका आप लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था, H2R वर्सेस शॉक वेव। हम लोग भी इस दिन का बड़ा इंतज़ार कर रहे थे, मगर प्रॉब्लम बॉयज़ ये है कि आजकल ज़्यादातर आपको पता है हम मॉर्निंग राइड करते हैं और सुबह के टाइम जो है वो फॉग बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी भी इस टाइम सुबह के तकरीबन 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, अभी हम लोग जाएंगे राइड के ऊपर, वहाँ पे भी फॉग बहुत ज़्यादा होगी। पहले हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे फॉग कम और उसके बाद राइड करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो बॉयज इस टाइम दोनों बाइक अपनी फुल पावर में हैं, फुल प्रिपेयर्ड हैं। H2R जो है उसके भी जितना जितना मैं उसे कर सकता था उसको मैंने तेज़ किया हुआ है। हायाबुसा के ऊपर तो आपको पता है 2-3 महीने की मेहनत है इसको इस काबिल करने के लिए कि H2R के साथ भागे। तो माशाल्लाह दोनों बाइक अपने फुल पोटेंशियल के अंदर हैं, पीक परफॉर्मेंस है और उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छे रन होंगे दोनों बाइक्स के। तो अभी चलते हैं, अरमगान भी आ गए हैं हायाबुसा के ऊपर। हमारी पहले थोड़ी सी हाईवे के ऊपर एक राइड होगी, तकरीबन 10-15 किलोमीटर की बनेगी यहाँ से, और फिर उसके बाद हम लोग ट्रैक पर पहुँच जाएंगे। तो होपफुली आप लोगों को व्लॉग देख के मज़ा आएगा, अपने रिव्यूज़ अपने कमेंट्स नीचे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से मुलाकात होती है हाईवे पे, लेट्स गो ऑन अ राइड। हाँ सर, क्या हाल है? ठीक है, तो मैं इंतज़ार है आपके इस व्लॉग का। अच्छा, शुक्रिया। ज़्यादा ठंड में बाइक चलाना पड़ता है सुबह सुबह राइड करने के लिए, और हमारी सुबह राइड की मजबूरी ये है कि रश कम होता है, साइकिल्स और इस तरह की चीज मोटर बाइक ज्यादा नहीं होते रोड पे। फुल कर दें। हाँ जी, हाई ऑक्टेन। लुक बॉयज, हु इज हियर? अबासी, ही इज कॉलिंग इट द किलर बूसा। कहता है आज ऐसी की तैसी H2R की, वो रेस जिसका सबको इंतजार था, इट्स अबाउट टू हैपन। वोट करें नीचे कमेंट सेक्शन में, किस बाइक के साथ हैं आप लोग, कौन कौन शॉक वेव को सपोर्ट कर रहा है अभी रेस से पहले, सच सच बताना है, और कौन कौन H2R को। वार्मिंग द टायर्स, H2R एंड कुसा ऑन द ट्रैक, ready for the battle of battles to decide the ultimate king, the king of kings, Shockwave versus H2R. बस ही क्या लग रहा है तुझे, कौन जीतेगा आज? ज़ाहिर है भूसा जीतेगा यार, ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता वैसे। अच्छा चलो लेट्स सी। Shockwave, the H2R is here. दो तीन दफे ट्रैक के ऊपर आके बहुत मस्ती कर ली है H2R, उसने Shockwave ने, अब टाइम है उसको सीधा करना। क्या Shockwave आज हमें टफ टाइम दे पाएगा या H2R undisputed? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
बचत हो गई है, कुछ ना कुछ बचत हो गई है। अबासी तीन हॉर्न तूने देने हैं, हॉर्न तूने देने हैं, फिर रोल पे करेंगे। दूसरा गियर 60 की स्पीड। एक और बार हम हायाबुसा को जरा जाने देंगे, मगर इस बार मैं सेकंड में ही हूंगा। सोचा था हम शॉक वेव को धोएंगे, मगर ये नहीं सोचा था। क्रॉस लगाया है भूसा को।
H2R है, भूसा नहीं हरा सकता, भूसा क्या, कोई बाइक भी नहीं हरा सकता H2R को। एक जरा H2R का सोलो रन भी हो जाए। इस बाइक को मैं बहुत लाइट थ्रॉटल दे रहा हूँ, बहुत लाइट, आप यकीन करें बहुत लाइट थ्रॉटल है ये। हर गियर के अंदर अगर शायद आप फील करो, इवन फिफ्थ गियर के अंदर भी मैंने इस टाइम इसे शिफ्ट किया है ना, तो इसने अपना मुंह उठाया और नीचे रखा और हैंडल बार हल्का सा वॉबल किया है फिफ्थ गियर के अंदर भी। ओह व्हाट अ बीस्ट। सो बॉयज, ये था वो व्लॉग जिसका आपको इतने अरसे से इंतजार था। शॉक वेव द अल्टीमेट मशीन। I salute you, I respect you. इसने ये शॉकवेव ने ये गट शो किए कि वह H2R के साथ भागे। The one and only machine in Pakistan जिसने ये गट शो किए। ये लॉ ऑफ जंगल है बॉयज, कि एक वक्त में जंगल में सिर्फ एक ही बादशाह होता है, एक ही शेर होता है, और वो है कावासाकी H2R। No match. No comparison. So ये था आज का व्लॉग जिसका आप लोगों को बहुत बेचैनी से इंतजार था। मैंने फ्राइडे का भी वेट नहीं किया, मैंने कहा आपको ये व्लॉग दिखाते हैं, होपफुली आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। इस तरह के ड्रैग रेसेस, इस तरह के व्लॉग्स, इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहेंगे शॉकवेव के साथ भी और बाइक्स के साथ भी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।